अरे एक कैमरा पड़ा होता है और एक होस्ट खड़ी होती है जो कि बहुत सारा गॉसिप होती है और बहुत और न्यूज़ तो हकीकत होती है। ओ हेलो, डू यू इवन हैव एन आइडिया कितनी मेहनत लगती है? आई विल शो यू व्हाट हैपेंस बिहाइंड द सीन। ये रास्ता ले जाता है हमें पर्दे की दूसरी तरफ, एक अलग ही दुनिया में। यहाँ की दीवारों को ये अंधेरा कभी कभार ही नसीब होता है। यहाँ की हवाओं में तो बसती है रोशनी और रंगीनी, और इस रोशनी में चमकने वाले सितारों को हम बेहिसाब चाहते भी हैं और सराहते भी। जो कुछ हम टीवी पर देखते हैं उस सच को अंजाम देते हैं कुछ लोग, जिनके नामों निशा को हम कभी महसूस ही नहीं करते। लेकिन एक सच ये भी है कि पेज 3 की दुनिया को रोशनी देने वाले अनमोल रतन हैं ये मेहनती कारीगर, जो पर्दे पे आने वाली हर चीज़ को तराश कर बेहद खूबसूरत बना देते हैं। स्पॉट में काम करता हूँ मैं 3 साल हो गए। पर डे जैसा कंपनी देती है, कोई ज़्यादा देती है कंपनी, कोई कम देती है कोई कंपनी। मेरा नाम सर कई वाली है, 10-12 साल से काम कर रहा है। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है आप नहीं आ पाते हो, हमारा जगह पे दूसरा आदमी हम लोग कैसे करते हैं। सैलरी आप लोग को जो है वही सब से करना पड़ता है, काटना पड़ता है, उसको देना पड़ता है। नारायण मेकअप एक्चुअली वन आवर एक्चुअली भड़क के नहीं बोलते हैं, उनको जैसे चाहिए ऐसे करके देना पड़ता है। ऐसे यानी रूट उनसे फेस नहीं करना पड़ा? हाँ, होता है कभी कभी कुछ कुछ होते होंगे ना, चिल्लाते हैं उस वक्त आपको बुरा लगता है। मेरा नाम बशीर खान, कैमरा मैन हूँ मैं। 89 से फील्ड में मैंने एसिस किया पहले, अभी हम कैमरा कर रहे हैं बट सीख ही रहे हैं अभी। डायरेक्टर डिसाइड द कैमरा एंगल। मैं एक मजदूर हूँ, मैं तो कैमरा ऑन करना है और कैमरा ऑपरेट करना है, वो डिसाइड डायरेक्टर के ऊपर रहता है। कोई कोई शॉट लेने में 5 घंटे भी लगते हैं, 4 घंटे भी लगते हैं, 8 घंटे भी लगते हैं। सपोज कि कैमरा ट्रॉली में कोई शॉट ऐसा होगा, ट्रॉली जर्क होगा, तो जर्क जब होगा तो वो शॉट चलेगा नहीं, क्योंकि बिकॉज अगर आप ट्रॉली चला रहे वो स्मूथ होना चाहिए। अभी हम लोग आपको देख रहे थे, बार बार जैसे ही शॉट खत्म होता था फौरन बाहर जाके सिगरेट पीते थे, तो आई मीन इज इट अ वे ऑफ कोपिंग द स्ट्रेस? इट इज बैड हैबिट, ये गंदी आदत है हमारी, ये गंदी आदत है हमारी। स्ट्रेस को कोप करने के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं, हंसते रहते हैं हम लोग सेट पे, मजाक करते रहते हैं। माय नेम इज जयंत सिंह, दिस प्रोडक्शन आई डू द प्रोडक्शन मैनेजर ओवर हियर। I look after the shooting of this Popcorn News in the studio. You don't have to say anything impossible. You have to make it possible. If something goes down while shooting, something happens, then you have to sort it out. That's the main work of production. I'm Divya Jain, I'm the director for the show Popcorn News. Time is like, we always have time crunch, we always have, you know, deadlines that we have to meet deadlines. And I mean, yeah, now like I've got used to the stress thing. हमारा मन करता है आने का, so that is the kind of atmosphere जो किसी भी set पे होना चाहिए कि इंसान का मन करे। उसके बाद सब कुछ normal हो जाता है, कोई दिल पे लेके नहीं रहता कि उन्होंने डांटा था, ठीक है काम में बोल देते हैं, गलती सबसे होती है, तो it's a very healthy atmosphere basically. And the most important thing, you know, what I feel is you just have to love what you're doing. Most people in my family do not want me to get into this profession, especially my dad. I just always believed in myself and I
has finally worked for me. I think if you're determined, to do what you want to do, then you're ready to face any problems. Just believe in yourself, because at times, the dreams that you want to follow are not what other people think you should do. So you have to decide whether you want to follow your dreams or you want to do what others want you to do. So just believe in yourself and believe that you can do it. जिंदगी हिम्मत के इरादे आजमाती है, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हारो मुसाफिर, जिंदगी हमें चलना और सिर्फ चलना सिखाती है। सीरियसली यार, ये कितनी मेहनत लगती है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। एग्जैक्टली, दीज आर द अनसीन व्यूज। लेट्स वॉच इट टुगेदर। सेट के ग्लैमर का एक हिस्सा तो सबको नजर आता है, पर जो हिस्सा आज हम सब ने देखा है वो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। जिस तरह से ये लोग सिर्फ एक आधे घंटे के शो के लिए मेहनत करते हैं वो बेमिसाल है। एंकर जहां अपनी लाइंस बोल रही है और कभी कभी भूल भी रही है, वहीं दूसरी तरफ एक कैमरे की ट्रॉली को दो लोग आगे पीछे संभाल रहे हैं। पर्दे के ऊपर की चकाचौंध असल में वो नहीं जो हमें दिखती है। आज इन रंगीनियों के पीछे की सच्चाई हम सब में धीरे धीरे समा रही है।